Hello learners, welcome to PolyPrep. This video is regarding how you will log into your LMS account after registering into any course for the first time. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने LMS अकाउंट को कैसे एक्सेस करेंगे पहली बार. उसके लिए आपको क्या करना है? You need to simply check your email account. आपको अपना ईमेल अकाउंट चेक करना है जहां पे आपको हमारी तरफ से एक मैसेज मिलेगा. अगर इस मैसेज को आप अपने प्राइमरी अकाउंट के सेक्शन में नहीं देख पा रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रमोशन सेक्शन में जाना है और वहां पे चेक करना है. अगर वहां पे भी आपको हमारे एंड से दिया हुआ मैसेज या मेल नहीं मिलता है तो आपको सिंपली स्पैम सेक्शन में जाना है और वहां पे चेक करना है. पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये हमारे इनबॉक्स सेक्शन में दिख रहा है, तो आप सिंपली इसको ओपन करेंगे. आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि आपका रजिस्टर किया हुआ कोर्स असाइंड हो चुका है जिसके क्रेडेंशियल्स यहां पे दिए हुए हैं. आप देख पा रहे होंगे जिसके क्रेडेंशियल्स यहां पे दिए हुए हैं. आपको सिंपली क्या करना है, You need to click here और आप LMS के लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे या आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं lms.polyprep.co.in. Then आप यहां पे अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड में स्मॉल में पासवर्ड डालेंगे. जी हाँ, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट स्मॉल में पासवर्ड है. तो सिंपली आप यहां से दो तरीके हैं आपको लॉगिन पेज पे पहुंचने के लिए. सिंपली क्लिक हेयर करेंगे तो आपको आपका LMS का पेज ओपन हो जाएगा या आप सिंपली टाइप कर सकते हैं lms.polyprep.co.in. देन यू नीड टू यूज योर मेल आईडी एज योर यूजर नेम, योर रजिस्टर्ड मेल आईडी एज यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इज पासवर्ड. ओके, देन लॉग इन. आफ्टर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट यू विल बी आस्क्ड, यू विल बी प्रॉम्प्ट टू चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड. नाउ यू कैन चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड ऑफ योर ओन चॉइस. After changing the password, you can see the registered course has been assigned to you and you can see the schedule of the registered course here. If you are using our PolyPrep's mobile application, you need to follow these steps.